अबे पहले सही आ रहा था, इसने हिला दिया यार। मैं जब जाती हूँ तो मेरी चाय जो गायब होती है वो इस ये औरत करती है। कौन आप? कौन डॉक्टर? मैं डॉक्टर। कैसी लगी आपको? जैसे जैसे मायरी का एंड करीब आता जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम इस ड्रामे को नहीं देख पाएंगे और इसका एंड हो जाएगा। नो डाउट कि ये ड्रामा रोज लगने की वजह से और तमाम एक्टर्स की जबरदस्त अदाकारी की वजह से हमारे दिलों में घर कर गया है और अब इसके खत्म होने पर फैंस काफी ज्यादा सैड है। मायरी के सेट पर तमाम अदाकार बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहा करते थे, घर जैसा माहौल हुआ करता था, इकट्ठे खाना पीना और इंजॉय करना इनका रोज का मामूल था। यही वजह है कि मायरी के आखिरी दिनों में सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और अपने अपने तरीके से वीडियो शेयर करते नजर आ रहे हैं। ऐना आसिफ ने कहा कि मायरी का सेट मेरा दूसरा घर बन चुका था, क्योंकि मैं स्कूल से सीधी इधर आती थी, शूटिंग करवा के फिर घर वापस जाती थी। जबकि समर जाफरी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि सेट पर हम सब ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले ड्रामास में भी मुझे ऐसे ही अच्छे कोस्टार्स मिलेंगे। दोस्तों आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एनी, फाहिर और इस ड्रामे के तमाम अदाकारों को मिस करने वाले हैं या नहीं, या फिर आप सबसे ज्यादा किस अदाकार को मिस करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।